हाय गाइस, वेलकम बैक अनवीज किचन। आज हम बनाएंगे चटपटी तीखी जीरा आलू, जो कि खाने में बहुत ही स्पाइसी है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले आलू को बॉईल कर लिया और उसे छील लिया है। इसको हम छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे। उसके बाद हम एक पैन में ऑयल गर्म करेंगे और उसमें एक टीस्पून जीरा डालेंगे और जीरा को चटकने देंगे। उसके बाद हम इसमें एक मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज डालेंगे और प्याज को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने देंगे। तो अब हमारा प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुका है। इसके बाद हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करेंगे। तो जब हमारा मिर्च गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें उबले हुए आलू को काट कर डालेंगे और उसे हल्का सुनहरा होने तक भून लेंगे। गैस का फ्लेम हम हाई कर देंगे ताकि हमारे जो आलू है वो अच्छे से ब्राउन हो जाए। अब हमारा आलू हल्का ब्राउन हो चुका है। इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो हमने इसमें सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक डाला हुआ है। उसके बाद हम इसमें चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे। इसके बाद हमने एक टीस्पून इसमें साबुत धनिया को भून लिया है और उसे कूट कर इसमें डालना है। साबुत धनिया कूटा हुआ डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। फिर इसमें हमने एक टीस्पून आमचूर पाउडर डाला हुआ है। अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो आप इसमें चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर भूनेंगे। तो अब हमारा जीरा आलू बनकर रेडी हो चुका है, जो कि खाने में बहुत ही स्पाइसी लगता है। तो अगर आपका मन कुछ स्पाइसी खाने का हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये खाने में बहुत ही चटपटी और स्पाइसी होती है। तो चलिए हम इसके ऊपर से थोड़े से धनिया की पत्ती की गार्निशिंग कर देते हैं, जिससे कि ये देखने में और भी अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।